के लिए कर रहा हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक एक आदमी महंगे बिजली बिलों से बहुत दुखी है। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से आम आदमी पार्टी को बेहद प्यार और सम्मान मिल रहा है, काफ़ी समर्थन मिल रहा है, और उसकी वजह है अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नेंस। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जिस तरह से काम किया है और उसी में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोग इस बात से बहुत प्रभावित हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में आज लोगों को बिजली के बिल ज़ीरो आ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? लोग चमत्कृत हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, वो आके अपने परिवारों में बताते हैं कि हमको तो उत्तर प्रदेश में बिजली के बिल इतने महंगे देने पड़ते हैं और दिल्ली में बिजली के बिल भरने ही नहीं पड़ते, वहाँ ज़ीरो बिल आते हैं। तो वैसे में आज मैं ये ऐलान करने आया हूँ आप सबके बीच कि उत्तर प्रदेश के भाइयों और बहनों से निवेदन भी है और उनके बीच में ऐलान भी है कि आपके वोट की ताकत पर उत्तर प्रदेश में भी बिजली के बिल ज़ीरो हो सकते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएं, केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार बनवाएं, और उसके बाद हमारी गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट तक के घरेलू बिजली बिल ज़ीरो हो जाएंगे, मुफ्त हो जाएंगे। यानी कि 300 यूनिट तक के घरेलू बिजली बिल ज़ीरो आने लगेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर, ये व्यवस्था कर दी जाएगी। दूसरा, उत्तर प्रदेश का किसान बहुत दुखी है, उसकी फसल के दाम तो योगी सरकार ने बढ़ाए नहीं लेकिन उसकी बिजली बहुत महंगी कर दी योगी जी की सरकार ने। तो आज मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल जी की तरफ से उत्तर प्रदेश के किसानों को भरोसा दिलाता हूं कि आप सब मिलके आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए और 24 घंटे के अंदर अंदर ये व्यवस्था कर दी जाएगी कि उत्तर प्रदेश के किसी भी किसान को खेती के लिए बिजली की कोई दाम नहीं देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश के हर एक किसान के लिए खेती के लिए बिजली के बिल ज़ीरो आएंगे, वो चाहे कितनी भी बिजली कंज्यूम कर रहा है। ये दूसरी बड़ी बात है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में सरकार ने बिजली इतनी महंगी कर दी है कि लोगों से बिजली के बिल नहीं चुकाए जा रहे। किसी के घर 1 लाख का बिल आ रहा है, किसी के घर 1.5 लाख का बिल आ रहा है, 10,000 की तनख्वाह है बेचारों की, 5,000 रुपये किसी तरह से कोई दुकान चला के कोई कमाता है, उनके बिजली के बिल 1-1.5 लाख रुपये आने लगे हैं। अब सरकार कहती है कि या तो वो लोग बिजली के बिल भरें, नहीं तो सरकार उनको अपराधी मानेगी या फिर वो लोग सुसाइड कर लें। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों ऐसे केस हैं जहाँ पर एक आम आदमी ने बिजली के महंगे महंगे बिल देख के सुसाइड कर लिया। अलीगढ़ में एक किसान, मैंने मीडिया में एक खबर देखी थी, रामजी लाल, उनका 1.5 लाख का बिजली का बिल आ गया, बिजली का बिल नहीं भर सकते थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। एटा में एक 17 साल की लड़की ने सुसाइड किया और उसने सुसाइड नोट में बिजली विभाग के नाम लिखा कि मेरे पिता अपराधी नहीं हैं, आपने उनको गलत बिजली का बिल भेजा है, आप उनको अपराधी ना बनाएं, मेरे पिता अपराधी नहीं हैं, वो उस लड़की ने लिखा। इसी तरह के बहुत सारे लोग हमने बनारस में भी देखा कि बनारस में एक सामान्य काम करने वाले व्यक्ति ने सुसाइड इसलिए कर लिया क्योंकि उससे उसका बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा था और बिजली विभाग उसको अपराधी करार दे रहा था। अशोक भारती 38 लाख, मैंने इंटरनेट पर डेटा देखा, मीडिया से देखा, डेटा देखा, पूरे उत्तर प्रदेश में 38 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में महंगे महंगे बिजली के बिल योगी सरकार ने भेज रखे हैं और योगी सरकार उनको अपराधी मान रही है, योगी जी की सरकार उनको अपराधी मान रही है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि घबराना मत, थोड़ा सा धैर्य रखिए और आम आदमी पार्टी का समर्थन करिए। विधानसभा चुनाव में 6 महीने बाकी हैं, 6 महीने बाद में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए। जितने लोगों के बकाया बिल हैं जो योगी सरकार की महंगी बिजली की वजह से आपके ऊपर अपराधी बन के चढ़े हुए हैं, जो आपको अपराधी बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही इन बिलों को फाड़ के फेंक दीजिएगा, सबके बकाया बिल माफ कर दिए जाएंगे। ये महंगी बिजली आपके घर में अगर आती है और महंगे बिल अगर आपके घर में आते हैं तो इसमें अपराधी आप नहीं हैं, अपराधी वो सरकार है जो महंगी महंगी बिजली करके पैसा कमा रही है, वो पार्टी है जो बिजली महंगी करके अपना चंदा जुटाती है, लोग अपराधी नहीं है इसमें, लोगों को अपराधी की तरह जीने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार, जैसे हमने केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाया, वहाँ पे बिजली के बिल ज़ीरो आ रहे हैं, वहाँ पे 24 घंटे बिजली आ रही है,
इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे कि बिजली के बिल जीरो आएंगे और जिनके बकाया बिल हैं उनके बिल जीरो करेंगे और किसानों के बिजली के बिल जीरो करेंगे। ये तीन बड़ी अनाउंसमेंट। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में केवल और केवल बिजली के बिलों से मुक्ति नहीं दिलाई लोगों को, महंगे महंगे बिजली के बिलों से मुक्ति नहीं दिलाई, बल्कि जो लंबे लंबे पावर कट लगते थे दिल्ली में 2015 से पहले, पूरा ब्लैकआउट चलता था, लोगों को अगर अपने घर में बिजली चाहिए थी तो लोगों के घर में बिजली कम आती थी, इन्वर्टर से चार्ज करके ज़्यादा रखना पड़ता था 2015 से पहले। उत्तर प्रदेश के जो लोग दिल्ली में आते जाते हैं वो जानते हैं कि 2015 से पहले दिल्ली के मार्केट इन्वर्टर और जनरेटर्स के, छोटे छोटे जनरेटर्स के भरे पड़े रहते थे, लेकिन 2015 के बाद केजरीवाल जी की मेहनत से, सरकार की मेहनत से वो नज़ारा बदला है और अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है दिल्ली के लोगों को। लोग जनरेटर और इन्वर्टर खरीदना भूल गए हैं, बाजारों से इन्वर्टर और जनरेटर गायब हो गए हैं। यही काम उत्तर प्रदेश में भी होगा। खाली ये नहीं है कि 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों के लिए बिजली फ्री और बकाया बिल माफ नहीं है, खाली 24 घंटे उत्तर प्रदेश में बिजली मिल सकती है और 24 घंटे उत्तर प्रदेश में बिजली मिलेगी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो। आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई है, 24 घंटे बिजली की हम गारंटी देते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ सब जगह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली में जहाँ इतने बुरे हालत थे, दिल्ली में बिजली बनती नहीं, उत्तर प्रदेश से बिजली खरीद के दिल्ली की सरकार देती है और राज्यों से खरीद के देती है, वहाँ पे अगर 24 घंटे बिजली आ सकती है तो उत्तर प्रदेश में तो बिजली का उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश में तो खूब जगह है जहाँ बिजली और बनाई जा सकती है, उत्तर प्रदेश में जहाँ बिजली बन रही है और वहाँ बनाई जा सकती है वहाँ 24 घंटे बिजली क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि सरकार की नीयत नहीं थी। आम आदमी पार्टी की सरकार लेकर आई है, हम गारंटी देते हैं, केजरीवाल जी की तरफ से गारंटी है कि उत्तर प्रदेश में भी 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी। तो मैं आप सबके समक्ष महत्वपूर्ण यही कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी आम जनता के दर्द को समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, IITian हैं, IIT से पास आउट हैं, इस बात को समझते हैं कि चीज़ें ठीक कैसे की जाती हैं, इस बात को समझते हैं कि इकोनॉमी से लेके और टेक्नोलॉजी तक कैसे चीज़ें सॉल्व की जाती हैं। उनका ये मानना है कि 21वीं सदी के भारत में बिजली लग्जरी नहीं है, बुनियादी सुविधा है। 21वीं सदी के भारत में जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि बिजली केवल उन लोगों को उपलब्ध होगी जिनकी जेब में मोटा मोटा पैसा है, बाकी लोगों को बिजली नहीं उपलब्ध होगी। 21वीं सदी के भारत में जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो आदमी को अपना मोबाइल चार्ज करने से लेकर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जो बल्ब जलाना है वो बिजली उपलब्ध कराना, बुनियादी जरूरत के लिए, बुनियादी जिंदगी के लिए बिजली उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार ये जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। दिल्ली के हर नागरिक को बिजली फ्री उपलब्ध है, वहाँ पे 200 यूनिट तक की बिजली फ्री और 400 यूनिट तक की बिजली आधे रेट पर उपलब्ध है। मैं यहाँ पर केजरीवाल जी की तरफ से एक बार फिर से उन चारों अनाउंसमेंट को दोहरा देता हूँ, उसके बाद पत्रकार साथी, उसके बाद संजय भाई अपनी बात रखेंगे और फिर पत्रकार साथी अपनी बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। चारों अनाउंसमेंट जो केजरीवाल जी की तरफ से मैंने अभी की, सबसे पहली अनाउंसमेंट ये है कि उत्तर प्रदेश के वोटर्स से, भाइयों बहनों से निवेदन है कि महंगे बिजली बिलों के दिन आपके वोट की ताकत से लद जाएंगे, अपने वोट की ताकत दिखाइए, आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए, 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने लगेगी। दूसरा, सभी किसानों को इरेस्पेक्टिव ऑफ उनके खेती का साइज कितना बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं, कितनी देर बिजली यूज़ करते हैं, कितनी यूज़ करते हैं, सभी किसानों के लिए बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा, जिन लोगों के महंगे बिजली के बिल की वजह से लंबे लंबे बकाया हो गए हैं और वो अब उधार लेके बिजली के बिल चुकाने पे मजबूर हैं या अपराधी की तरह जीने पे मजबूर हैं या सुसाइड करने पे मजबूर हैं, उनसे कह रहा हूँ कि घबराइए मत, आपके बिजली के बिल आम आदमी पार्टी की सरकार माफ़ करेगी, बस आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए। और चौथा, कि सिर्फ मुफ्त बिजली और बकाया माफ़ की बात नहीं है, बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। 21वीं सदी के उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिल सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में संसाधन है, यहाँ बिजली बनाई जा सकती है। दिल्ली जैसे राज्य में जहाँ बिजली बन नहीं सकती है, जहाँ तमाम तरह के प्रतिबंध हैं, उसके बावजूद बाकी राज्यों से खरीद के अगर 24 घंटे बिजली दिल्ली जैसे राज्य में मिल सकती है तो उत्तर प्रदेश में तो 100% मिल सकती है। ये चारों चीज़। संजय भाई, सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार।
आम आदमी पार्टी की ओर से आज अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को एक गारंटी दी है जो अपने आप में बहुत बड़ी गारंटी है। गरीब के घर में रोशनी हो, 300 यूनिट तक उसको बिजली फ्री मिले। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री उत्तर प्रदेश में की जाएगी। 38 लाख लोगों का जो बकाया बिजली का बिल है, आपसे केजरीवाल जी कह रहे हैं, केजरीवाल जी की गारंटी है, मनीष सिसोदिया जी ने अभी उसका ऐलान किया, वो 38 लाख लोग अपने बकाया बिल फाड़कर फेंक देंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सारे बकाया माफ किए जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा सपना था कि लोगों को फ्री बिजली मिले, 24 घंटे बिजली मिले, और उनके ऊपर बकाए के नाम पर तहसील का डंडा न चलाया जाए, उनको जेल ना भेजा जाए, उनको अपराधियों जैसा व्यवहार न किया जाए। मैं समझता हूं ये एक बड़ी घोषणा है जो मनीष सिसोदिया जी ने आज की है, और केजरीवाल जी की जो गारंटी होती है, जो वो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए वादा जो उन्होंने किया है, ये गारंटी जो उन्होंने की है सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर, हम लोग इसको पूरा करेंगे। मनीष जी, ये एक एक करके घोषणा आप जारी करेंगे या घोषणा पत्र आएगा कुछ दिनों बाद एक साथ? ये घोषणा पत्र भी आएगा, लेकिन हम पूरे उत्तर प्रदेश के जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी चिंता सिर्फ 6 महीने बाद की नहीं है, ये भी है कि आज जिस तरह से लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं, उनको भी हम कहना चाहते हैं कि स्ट्रेस में जीने की जरूरत नहीं है, कुछ ही दिन है बस महंगी बिजली के। और ये आप अरविंद केजरीवाल ही चेहरा होंगे या इधर मुख्यमंत्री फेस भी आप देंगे? मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी जब समय आएगा उस समय पार्टी डिसीजन लेके बताएगी, और अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नेंस, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ रही है, ये तो सब जगह है। थैंक यू। हाँ, यहाँ पर।